सिंपल, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सिंपल हाउस प्लान डिज़ाइन। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हाउस प्लान डिज़ाइन। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पर इसका जो कॉलम है यहाँ पर ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें ऐसे वॉल ऐड करना है। उसके बाद इधर भी और एक कॉलम इधर हमें ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए जो स्टेयर है, यहाँ पर स्टेयर ऐसे ऊपर जाएगा। इसके नीचे में एक किचन एरिया, यहाँ पर डाइनिंग एरिया और यहाँ पर टॉयलेट एंड बाथ, जो एक कॉमन लोगों के लिए यहाँ पर लगेगा, जो कॉमन यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन होता है, इसके लिए हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर देखिए रूम के साथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ। तो रूम का जो डोर है इधर से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर किचन जो है रहेगा कॉमन किचन, यहाँ पर एक सिंगल किचन है। रूम के अंदर आने के बाद ही ऐसे रहेगा फ्रंट एलिवेशन, तो इधर से जाएगा तो इधर से आपको मिल जाएगा। तो हमें एक इधर से अगर विंडो क्रिएट करना है तो हम ऐसे विंडो यहाँ पर क्रिएट करके इसका जो पार्ट है ऐसे रख सकते हैं। और इधर भी और एक विंडो हमें क्रिएट करना, तो दो विंडो फ्रंट में आप ऐड कर सकते हैं। बाकी तो आपको विंडो का जगह मिल ही जाएगा, कहाँ पर विंडो क्रिएट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 16x33 का हाउस प्लान डिज़ाइन है, 16x33। तो इस प्लानिंग के अंदर यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के पास हम अगर चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हम 2 फीट 6 इंच 2.5 फीट ऊपर में एक विंडो यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इधर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पर से आपको आ जाएगा आपका जो एयर वेंटिलेटर है स्टेशन है इधर से आ जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा ये जो विंडो है इसे रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो टॉयलेट एरिया है थोड़ा सा इसको गार्ड आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो बेड है, बेड के लिए भी हम चाहते हैं तो यहाँ पर एक विंडो क्रिएट कर सकते हैं जो 2 फीट 6 इंच हाइट पे रहेगा। और यहाँ पर हम एक विंडो यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं ऐसे। ये बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा जगह में आपको ओपन मिल रहा है तो आपके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर आप विंडो क्रिएट कर सकते हैं। इसी जगह पर आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पर विंडो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल लेआउट तो आपको यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद हमें फाइनल लेआउट के बाद जो डिटेल्स है इसके अंदर क्या क्या है, कितना मेजरमेंट है, सब कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 16x33। तो इसके अंदर बेड यहाँ पर हमने 1 क्रिएट किया है, 11 फिट 6, और 10 फिट 9। ओके, 11 फिट 6 और 10 फिट 9 यहाँ पर बेडरूम। तो यहाँ पर हम बेडरूम ऐसे क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर टॉयलेट, 1 टॉयलेट यहाँ पर अटैच और 1 टॉयलेट यहाँ पर कॉमन। तो आप चाहते तो इसके लिए एक आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर एक टॉयलेट को आप आउट कर देंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा और भी ज़्यादा जगह मिल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से देखिए हम इसको टॉयलेट को अगर आउट कर देंगे इधर से तो आपको बहुत ज़्यादा जगह इधर मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप एक डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 2 बेडरूम भी मिल सकते हैं ऐसे आप करेंगे तो, और क्योंकि यहाँ पर 2 टॉयलेट हम अटैच कर देंगे 2 बेडरूम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पर एक रेडी करके आपको दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने मेज़रमेंट किया है 5 फीट 9 बाई, यहाँ पर 4 फीट है, यहाँ पर जो 4 फीट है इस 4 फीट सभी जगह सेम रहेगा, 5 फीट 4, यहाँ पर 9 फीट 9 बाई 9 फीट 9, 11 फीट 6 बाई 10 फीट 6 9, यहाँ पर 5 फीट 9, यहाँ पर 6 फीट 8 बाई 6 फीट 8, यहाँ पर 3 फीट बाई 3 फीट, यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आपको दो या सिंगल बेडरूम जो भी आपको अच्छे लगे तो आप उसको देख के घर बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने जो मेज़रमेंट किया है, यहाँ पर फ्रंट साइड का जो मेज़रमेंट है इसको देख के यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर मेज़रमेंट तो हमने मैक्सिमम कर दिया है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है आप अगर इसको देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 7 फीट बाई यहाँ पर 4 फीट 6 का एक टॉयलेट मिल रहा है। तो इधर इधर आपको सेम ही मिलेगा, देखिए 4 फीट और इधर 5 फीट 10 5 फीट 10 ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेडरूम सेम ही आएगा, इधर से हम इधर तक लेकर आएंगे 11 फीट 6 ऐसे, देखिए। तो आपको दो बेडरूम और सिंगल बेडरूम में दोनों में फ़र्क यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको अगर जिसको अच्छा लगे तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो प्लान बनाया है इसका स्क्वायर फीट किया है 16 × 33, 528 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान डिज़ाइन बनाना है। इसका खर्चा कितना आएगा देखिए, यहाँ पर 1350 हम इंटू कर देंगे, इसका 700 रुपीज़ यहाँ पर खर्चा आएगा। तो आपको प्लान डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।